छचुंदर के घर में आने के 6 फायदे 5 नुकसान और उसे भगाने के 3 उपाय आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चूहे जैसी आकृति का छचुंदर सभी ने देखा ही होगा दोस्तों। ये भूले सफेद और काले मटमैले रंग का होता है। ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है जो चूहे को सांप को खाने की क्षमता रखता है। उल्लू को छोड़कर कोई भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करता है। आओ जानते हैं छचुंदर इसके घर में होने के फायदे और नुकसान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके ही अपने YouTube चैनल अंकित मैजिक एंटरटेनमेंट टीवी में मोस्ट वेलकम करता हूं। चलिए जानते हैं छचुंदर का घर में होने के फायदे के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे एक नंबर पॉइंट की। कहते हैं कि छचुंदर जिस भी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझो उसके अच्छे भविष्य होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मतलब उसका भविष्य सुंदर होगा, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, बढ़िया पैसे कमाएगा, बढ़िया उसके काम चलेंगे, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। ये तो भैया पहला हमने क्लिक पॉइंट बता दिया। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे दो नंबर पॉइंट की। इसी तरह छचुंदर यदि घर के चारों ओर घूम जाए तो समझो कि आपके घर पे जितनी भी विपत्ति चल रही है, जितने भी नेगेटिव कुछ भी चल रहा है आपके घर में या कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, सभी प्रॉब्लमों का समाधान आपका हो जाएगा। मतलब कि सुख शांति घर में बनी रहेगी, कोई दिक्कत आपको घर में नहीं आएगी अगर छचुंदर आपके चारों ओर के चक्कर लगा ले। दोस्तों हम बात करेंगे तीन नंबर पॉइंट की। माना जाता है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात को छचुंदर देख ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इसके दिखने का मतलब है कि आपको आपके बेहतर भाग्यशाली और धन की से जुड़ी आपकी सभी समस्याएं खत्म होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब संभावना हो जाती है और कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार नंबर पॉइंट की। जिस घर में छचुंदर घूमती रहती है वहां लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, मतलब लक्ष्मी जी का वास होता है। हालांकि जिस घर में साफ सफाई अधिक होती है, मतलब अत्यधिक होती है, वहां छचुंदर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सफाई याद रहती तो भैया कोई भ्रष्टाचार नहीं होती है ना। तो हम बात करेंगे पांच नंबर पॉइंट की। जहां छचुंदर होती है वहां चूहे सांप कीड़े मकोड़े और अन्य तरह के जीव जंतु नहीं होते हैं, क्योंकि वो सभी को मार देता है। छचुंदर जहाँ होती है वहां बैक्टीरिया नहीं होते हैं, क्योंकि ये नहीं दिखाई देने वाले बैक्टीरियाओं को खा जाती है। दोस्तों हम बात करेंगे छचुंदर के घर में होने से नुकसान क्या क्या होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे पहले नंबर पॉइंट की। छचुंदर के थूक की जो थूक होता है उसमें काले नाग जैसे जो विष होता है वो पाया जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा जहरीला होता है, उसमें थूक होता है। कहते हैं यदि छचुंदर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूक दे तो समझो उतना अंग सून पा जाता है। मतलब कि ये शरीर थूक दिया तो आपका इतना पूरा अंग है ना ये सून पा जाएगा, गोटियां भी लेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। है दोस्तों ये पूरी रियल जानकारी है और मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अब बात दोस्तों इसके बाद क्या होता है, सिर के बालों पर थूक दे तो जो अपनी सिर होता है, जो खोपंडी होती है, जहां पर भी अगर छचुंदर मान लीजिए आपका थूक दे थोड़ा सा, उतना जो हिस्सा होता है वहां पर हमेशा के लिए कभी भी बाल नहीं आते, इसलिए इसका घर में होना खतरनाक है। सोते समय इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे दो नंबर पॉइंट की। यदि आपके घर में छचुंदर है तो घर के भोजन को उससे संक्रमित होने से बचाए, क्योंकि उसका थूक जहरीला होता है। यदि ये भोजन को संक्रमित कर देगा तो आपकी सेहत को बुरा नुकसान हो सकता है, मतलब कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का शिकार दोस्तों आप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे तीन नंबर पॉइंट की। छचुंदर यदि बच्चों को काट ले तो उसके शरीर में उसका जहर फैल सकता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आपके बच्चे वगैरह को ना काटे। है दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार नंबर पॉइंट की। रात में छचुंदर आपके या आपके बच्चों के पैरों की उंगलियों को कुतर सकता है, चूहे अपने कपड़ों को काटते हैं ना वैसे कुतर सकता है, मतलब खा जाएगी, तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका कारण ये है कि आप छचुंदर होती है उसके थूक में मतलब पता नहीं क्या होता है कि जहां भी वो थूक लगाती है उतना जो एरिया होता है वो पूरा दोस्तों सुन हो जाता है,
पहले वो टूट देती है तो वो एरिया सुन हो जाता है, फिर जब वो अपने बदलती है तो अपन को कुछ भी एहसास नहीं होता है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे जब डॉक्टर वगैरह अपना ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, ऐसा ही चंदा क्या करती है, कुचंदा से पहले अपने एरिया को सुन कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पांच नंबर पॉइंट के बारे में। यदि छटुंदर ने ज्यादा काट लिया है तो सबसे जरूरी होता है कि एंटी रेबीज के नाम से इंजेक्शन आता है उसको लगवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब छटुंदर भगाने के तीन जबरदस्त उपायों के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे पहले नंबर उपाय की, छटुंदर को भगाने के लिए घर के हर कोने में रुई में लिपटा कर, और जो अपना होता है ना पेपरमेंट होता है उसमें रुई में मिलाकर पेपरमेंट को रख दो हर हिस्से में। ठीक है, पहला उपाय ये है। तो दूसरा उपाय की हम बात करेंगे, पुदीना की पत्ती या फूल को लेकर फूट ले, मतलब कैसे जो चट्टी मारे हैं चट्टी टाइप की बना लें, और इससे छिजुंदर के मतलब छिजुंदर के जो बिल होते हैं उसके आसपास आने वाली जगहों पर जाने वाली जगहों पर बिल के बिल में इसको रख दें। ठीक है, तो इससे छिजुंदर कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट के बारे में, लाल मिर्ची के पाउडर को छिजुंदर के आने जाने वाली जगहों पर रख दें, तो इससे भी आपके घर दोस्तों छिजुंदर भगेंगे। दोस्तों तो दोस्तों ये थे छिजुंदर घर में आने के छह फायदे, पांच नुकसान और उसे भगाने के तीन उपाय। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।